हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज है थर्सडे और सुबह का जो काम होता है सारा काम मेरी खत्म कर दी हूँ मैं। आज तो पूजा भी थोड़ा अच्छे से किया क्योंकि आज थर्सडे है तो थोड़ा सा अच्छे से करते हैं पूजा। और बहुत सारा पूजा का सामान भी था, जो थाली पूजा का जो यूज होता है उसको आज मतलब क्या बहुत अच्छे से क्लीन किया। और आज अभी सुबह से मैं दूध भी मतलब चाय नहीं पी हूँ। और अभी ये एक जो दूध बॉयल का चीज, जैसे ध्यान थोड़ा इधर उधर होता है ये दूध पूरा गिर जाता है गैस के ऊपर। और ये दूध जो गैस में गिरता है ये क्लीन करना इतना बड़ा हेडेक है, उससे अच्छा है पूरा घर का आप साफ कर लो। तो पर मुझे दिखाई दे दिया, चलो अच्छा है, गुड लक कि मैं सेम टाइम में बंद कर दिया। प्रेजेंस ऑफ माइंड इसको बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड। दोनों तरफ आंख है, हाउस वाइफ लोग का ना इधर मतलब कहाँ कहाँ, सामने एक आंख पीछे आंख चारों तरफ आंख। मेरे अभी तो बोलते तुम्हारा कितना आंख है, तुम आगे काम करते पीछे क्या होता है उसको भी मालूम, मतलब वो भी मालूम है तुमको। हाँ मुझे सब मालूम, हमारा घर का मतलब क्या कोने कोने में क्या हो रहा है सब हमको खबर रहता है। चलो हो गया। और आज सुबह से मैं दूध बोलूं चाय कॉफी कुछ भी नहीं पी थी, बस ब्रेकफास्ट बना के खा लिया तो बच्चों भी खा लिए। अभी तो सुबह ही खा के चले जाते हैं। और उनके लिए आज भेज पुलाव भी बना लिया था, वो रायता के साथ दे दिया चलेंगे लेकर, वो खाकर भी पराठा ही बना लिया था। आज मैं पूजा करके मतलब नाश्ता कर दिया पर चाय कॉफी कुछ नहीं पी थी। चाय अभी पीऊंगी, आज तो चाय पीने का तो मन नहीं हो रहा है, थोड़ा कॉफी पीऊंगी क्योंकि लेट होता है तो थोड़ा कॉफी पीने का मन करता है। और बेंगलोर का क्लाइमेट माय गॉड बहुत चिल हो गया है 3 दिन से, मतलब जैसे बेंगलोर में रहता है क्लाइमेट वैसा ही रह गया। पहले तो बेंगलोर में इतना ठंडा लगता था, इतना चिल, मतलब हर महीना 12 महीना गर्मी का नाम निशान नहीं होता था। अभी तो 3-4 साल से बेंगलोर में भी समर में थोड़ा गर्मी हो रहा है, इतना ज्यादा नहीं पर थोड़ा गर्मी हो रहा है, पर अभी 1-2 महीना बस। और बारिश का तो अप्रैल एंड में ही बेंगलोर में बारिश आ जाता है, इस साल थोड़ा लेट में ही आया, अभी मानसून आया, नहीं तो मानसून थोड़ा जल्दी आ जाता है बेंगलोर में, तो उसी वजह से बेंगलोर भी चील हो गया, थोड़ा अच्छा लगता है। इसलिए अभी तो कुछ दिन के बाद तो मैं तो इस सर को भी ढकना पड़ेगा क्योंकि बहुत ठंडा होता है, तो मुझे टंसिल मेरा हो जाता है गले में जो, हाँ वो बहुत दर्द करता है। नहीं तो पाँव में सॉक्स ये सब पहन के रहना है। कुछ दिन के बाद शायद आप वो मुझे वो रूप में देखेंगे, मफलर, और मफलर तो नहीं डालती हूँ, शॉल ही डाल देती हूँ। और पैर में सॉक्स कंपल्सरी रहेगा मेरी पाँव में 24 आवर्स, बस जो नहाने के टाइम मैं निकालूंगी, नहीं तो हमेशा मेरी बच्चों का मेरा रहता है, हबी का नहीं, उनको आदत है ठंडा वो रह लेते और हम लोग नहीं रह पाते। और 15 दिन के बाद आ जाएगा बेंगलोर में पूरा चिल वाला क्लाइमेट। चलिए इस अभी बनाऊंगी थोड़ा कॉफी, और आज ना मुझे होम वाला कॉफी वो पीने का मन हो रहा है तो वो वाला आज बनाऊंगी। उसको थोड़ा झंझट लगता है पर पीने में थोड़ा अच्छा लगता है तो वो बनाऊंगी, थोड़ा ज्यादा कॉफी डालूंगी इसमें। ये मेरा कॉफी भी खत्म हो गया और आज के लिए बहुत ज्यादा है, आज के लिए तो हो जाएगा। इसमें थोड़ा शुगर डालूंगी, इसको थोड़ा अच्छे से फेंटना होता है ये कॉफी को, थोड़ा सा बस वाटर 2-3 ड्रॉप्स बस, अच्छे से फेंट के वो फोम वाला कॉफी जैसे कैफे में हम लोग पीते हैं सीसीडी में वैसा ही कॉफी। आजकल तो सीसीडी एक मतलब क्या ड्रीम बन गया है, कब को कभी कभी हम जाते हैं, मतलब एक जमाना हो गया सीसीडी में कॉफी ना पीने का, क्योंकि जब मैं मॉल में जाती हूँ फर्स्ट में सीसीडी में घुसूंगी कॉफी पीऊंगी, उसके बाद जो है एक बार तो कॉफी पीना ही मुझे। और ऐसे एवरी सैटरडे संडे ना हम लोग जाते, बाहर तो मतलब सैटरडे संडे घर पे रहते ही नहीं है,
और अब क्या करें, अब तो दो ढाई महीने से आदत ही हो गया घर में घर में घर में रहना और कुछ नहीं, किधर भी नहीं निकलते। और बच्चे हमसे तो ज्यादा भाई बच्चे ही बोर हो रहे, अब तो बच्चे भी बोल रहे मामा किधर लेकर जाओ नहीं तो हम भाग जाएंगे। तो क्या होता है देखिए, अभी तो लॉकडाउन फिर से भी, मैं सोचा कि लॉकडाउन खत्म हो गया होगा, नहीं अभी तक भी बहुत रूल्स है, माम को मान के रहना पड़ेगा। और अच्छा यार इधर भी ना बच्चे लोग ज्यादा नहीं निकलते हैं, तो बस इमरजेंसी में ही हम ही जाते। और आज में थर्सडे तो आज तो बहुत सिंपल ही बनेगा, रात में डालमा जो प्रॉपर जो उड़िया डालमा आता है वो बनाने के लिए मेरे पास कुछ वेजिटेबल ज्यादा नहीं है, तो मैं अम्मी को बोली हूँ सारा वेजिटेबल लेकर आना है बिनी को। वेजिटेबल वैसे खत्म भी हो गया है, थोड़ा सा बस पपाया है, ग्रीन पपाया इतना है अभी के लिए, हो जाएगा हम लोग को। या थोड़ा पटाटो डाल के टमाटर डाल के मैं वो डालमा की तरह ही बना लूंगी। और अभी को बोलूँ फिर बड़ा वाला एक पपाया लेकर आओ, क्योंकि ये पपाया बहुत पसंद है मुझे, वो डालमा में बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज इतना है, थोड़ा बना लूंगी। और आज बहुत दिन के बाद बनाऊंगी मैं आलू चोखा, वो तो डालमा के साथ आलू चोखा उसका कॉम्बिनेशन कुछ अलग लेवल में है। मतलब वो डालमा हुआ वो आलू चोखा नहीं हुआ ना तो उसका मुझे अधूरापन लगता है खाने में। तो गुरुवार के दिन मतलब थर्सडे के दिन हमारा डालमा और ये आलू चोखा, आलू को बॉईल करके जो छोंक लगा के देते वो मस्त मस्त बनता है। और गुरुवार हो गया तो मेरे बच्चे भी मतलब उनको भी मालूम हो गया कि मामा आज ये बनाई होगी। और को कभी कभी ऐसे बनाती हूँ कुछ अलग सा, पर ज्यादातर ये बनता है, ये खाने का मजा ही होता है अलग सा। और अभी तो वैसे भी मतलब क्लाइमेट भी कूल हो गया ना, तब तो ये खाने में और भी अच्छा लगेगा। चलिए बातें करते करते मैं इसको फेंक लेती हूँ अच्छे से। कितना फेंकूंगा और नहीं फेंकूं, बस ये काफी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बैठ के कॉफी पीना बहुत शांत, मतलब पूरा मन जो है ना पूरा मन फ्रेश हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। ठंडी ठंडी हवा आता है और उसके साथ एक कप कॉफी, वाह। और उसके साथ ब्लॉगिंग, ये तो और भी अच्छा है। और ये दाल मैंने ली है, अब इसके अंदर मैं पटाटो और ये पपाया को डाल के बनाऊंगी डालमा। और ब्रिंजल नहीं तो डालमा में हमारा बहुत सारा वेजिटेबल पड़ता है, वो एक प्रॉपर डालमा मैं सैटरडे के दिन होगा तो शेयर करूंगी। उस दिन तो मेरे बेटा का बर्थडे है और हमारा बर्थडे के दिन नॉनवेज नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारा गांव में मंदिर में हम दिया जलाते हैं पूरा हर साल, और उस दिन इसलिए नॉनवेज नहीं बनता है, वेज में ही बनेगा। नेक्स्ट डे बनाते हैं बच्चे को देने के लिए, संडे तो भी है नेक्स्ट डे बनाएंगे, पर उस दिन नहीं बनता है, इसलिए उस दिन कुछ अच्छा अच्छा वाला खाना बनाऊंगी वेज में, जैसे बच्चों को पसंद थोड़ा आएगा। इसलिए आज हब्बी को भी बोली हूँ अच्छा अच्छा वेजिटेबल ये सब लेकर आओ, लेकर आएंगे। अभी वेजिटेबल तो खत्म हो गया है, चल अभी इससे ही बना लेंगे।
कुकर में पहले मैं पपाया और आलू को डाल दिया है। अब मैं डालूंगी दाल। दाल डाल के उसके बाद मैं टमाटर डाल दूंगी। और ये जिंजर को थोड़ा ग्रेट करके इसके अंदर डाल दूंगी। अब मैं डालमा में हल्दी और नमक डाल के 2 सीटी लगाऊंगी। और एक बात शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। वो बात ना कल मैं सुनी, मतलब देखी न्यूज में। कल वो बात मैं देखकर ना वो बात को मुझे इतना रोना आया। मैं, मेरे बच्चे, हबीबी, बहुत हम लोग बहुत इमोशनल हो गए। केरला का जो इंसिडेंट हुआ है, मतलब ह्यूमन बीइंग ना इतने हद तक गिर सकते हैं। ये मतलब वो बात सोचते हो ना आंख में आंसू आ जाता है। एक प्रेग्नेंट हाथी को जिस तरह से उन्होंने ये घिनौना काम किया है ना, उनका भगवान कभी भी माफ नहीं करेंगे। खाना दिए तो वो पाइनएप्पल के अंदर फटाका डाल के उसको, मतलब एक वो प्रेग्नेंट थी यार। वो बात सोचते है ना रोंगटे खड़े हो जाता है। मतलब कितना उस, जब आप देखेंगे, जब देखोगे ना उसका दर्द मालूम पड़ता है। मतलब ह्यूमन बींग्स किस हद तक गिर सकते हैं दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। और बच्चों के ऊपर वो बहुत बहुत बड़ा असर पड़ता है। वो सब देखते हैं ना, वो हाथी कितना तड़प रही होगी। वो अपने ओक में उसका बच्चा था पर कितना तड़प रही होगी वो। इसलिए तो वो पानी में कूद गई, मतलब कुछ ना सोचा पानी में कूद गई ताकि कुछ तो उसका जो दर्द है वो रिलीफ होगा। पर उसने हुआ, वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया। खड़े खड़े ही उधर ही वो उसका दम तोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद में बात करती हूँ आपके साथ। मेरा डालमा हो गया है। अब ये आलू को थोड़ा मैं निकाल के थोड़ा उसको मैश कर दिया है। अब मैं दाल का तड़का लगाऊंगी। पहले दाल में मैं ये थोड़ा जीरा, लगभग 2 स्पून जीरा, और ये थोड़ा 4-5 ड्राई रेड चिली को फ्राई कर लूंगी। फ्राई करके इसको मैं कूट लूंगी।
कूट के डाल के अंदर मुझे देना है। ये जो पाउडर देंगे इससे बहुत अच्छा एक स्मेल आता है दाल के अंदर। मेरा जीरा हो गया, निकाल देती हूँ। अब उसको रेड चिल्ली को और थोड़ी देर मैं फ्राई करूंगी। अब मैं इसको अच्छे से कूट लूंगी। इस तरीके से पाउडर बनाना है। और अब मैं आलू का डालमा का एक बाबू गिर गया, वो स्पून लेकर आ गया है। ये आलू को खाएगा, उसको बॉयल आलू जब करती हूँ ना उसको बहुत पसंद आलू चोखा। मुझे भूख लग रही है। हाँ ठीक है खाओ। आज कितना? और ये तड़का लगाऊंगी। लेट कहाँ हुआ बाबू? 1 o'clock तो हुआ। अब मैं छोंक लगा दूंगी दाल का, डालमा का। थोड़ा ये सरसों, ये जीरा और ये सूखी लंका ड्राई रेड चिली। हाँ बाबू हाँ खा लो खा लो। और अब ये प्याज डाल दूंगी। थोड़ा सा नमक डालूंगी। दाल का छोंक लगा के मैं थोड़ा ढक दिया। फिर कुछ देर के बाद 5 मिनट के बाद मैं निकल के खाना खा लेंगे हम लोग लंच। ये बन गया मेरा आलू चोखा। चारों जन के लिए 4, अभी के लिए भी 1 रखूंगी, उनको भी आलू चोखा बहुत पसंद है। रात को आकर वो टेस्ट करेंगे। परफेक्ट बना है डालमा। गुड आफ्टरनून। चलो खाना, चलिए खाते खाना। मामून मामून आ जाओ, मैं लाइट्स कर लेती हूँ। मामा वो ट्रे सब लेकर आ जाओ, फैन भी ऑन कर लूंगी। गरम गरम खाना खाएंगे तो फैन सब ऑन करना है। लेकर आप एक मामा, आज थोड़ा मामा मुझे हेल्प करेगी। मामून हाँ मैं
आज तो बहुत ही सिंपल लंच है, साधा लंच, राइस डालमा भात। उड़िया में ही मैं बोलती हूँ तो अच्छा लगेगा सुनने के लिए। भात तो डालमा, डालमा आलू चकटा एंड पापड़ो। नहीं बाबू, आज सबको, आज सबका मन खुश है क्योंकि देखो कैसे हो रहा है डालमा आलू चखा खाने के लिए। उसको आलू चखा बहुत पसंद है। पापा के लिए कैसा बना डालमा? अच्छा बना है। बहुत अच्छा बना है डालमा, बहुत अच्छा। और इसके साथ आलू चोखा। ओके फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग फिर मैं यहीं पे ही रखती हूँ। फिर मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, और न्यू रेसिपी के साथ भी।